कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे हाइड्रोलॉजी एंड डैम्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था डैम्स, ग्रेविटी डैम्स एंड स्पिलवेज। ठीक है, तो इसके हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आज हम इसका 9th पार्ट करेंगे। 9th पार्ट में आज हम देखेंगे स्पिलवेज के टाइप्स के बारे में। तो 8th पार्ट में ही हमने स्पिलवे की डेफिनेशन देख ली थी, तो हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो आपको जैसी डेफिनेशन अच्छी लगे आप एग्जाम में वैसे ही लिख सकते हैं। तो आपको तो स्पिलवे के बारे में वैसे पता चल भी गया होगा, तो मैं आपको इसमें इसकी डायग्राम्स भी दिखाऊंगा, इसकी फिगर दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, ताकि आपको जो है सारी चीजें क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हम फिर से एक स्पिलवे की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन इसकी है, स्पिलवेज आर द स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड सेफ रिलीज ऑफ फ्लड वाटर्स फ्रॉम अ डैम टू अ डाउन स्ट्रीम आर नॉर्मली द रिवर ऑन विच द डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्पिलवे की डेफिनेशन है। तो अगर आपने जो 8th पार्ट है वो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, ताकि आपको स्पिलवेज के बारे में अच्छे से पता चल सके कि स्पिलवेज होता क्या है। ठीक है, इसके आगे भी मैं काफी सारी फिगर्स दिखाने वाला हूँ, पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ, उससे आपको टोटली क्लियर हो जाएगा स्पिलवेज के बारे में। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो जो स्पिलवेज है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्यों हम स्पिलवेज को डालते हैं। तो फर्स्ट हम बात करें, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। शुड एबल टू पास द डिजाइन फ्लड विदाउट रेजिंग द रिजर्वायर लेवल अबो हाई फ्लड लेवल। ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास स्पिलवे होता है शुड एबल टू पास द डिजाइन फ्लड, मतलब जो डिजाइन फ्लड है वो पास उसमें से होना चाहिए। शुड एबल टू पास द डिजाइन फ्लड विदाउट रेजिंग द रिजर्वायर लेवल। ठीक है, रिजर्वायर का लेवल रेज किए बगैर ही वो जो हमारे पास फ्लड है वो पास हो जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ से, जो रिजर्वायर है डैम है वहां से पास हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका रिक्वायरमेंट है हमारे पास स्पिलवे की। दूसरा हम बात करें, शुड प्रोवाइड ए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू द डैम अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ फ्लड। ठीक है, तो जो भी हमारे पास स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मतलब जितना भी फ्लड लेवल हमारे पास हो, जैसी भी फ्लड कंडीशन हो, मान लो बहुत सारा फ्लड आया, बहुत सारा पानी है रिजर्वायर में, तो उसमें वो जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रक्चर है डैम स्ट्रक्चर, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए, डैम टूटना नहीं चाहिए। तो ये चीज हमें बड़ी ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सेक्शन ऑफ स्पिलवे शुड बी इकोनॉमिकल। तो जो सेक्शन है स्पिलवे का वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है स्पिलवे पे बहुत ज्यादा खर्चा कर लें और हमारा जो पर्पस तो सॉल्व हो जाए लेकिन खर्चा ज्यादा आ जाए, तो हमें वो भी नहीं करना है, हमें इकोनॉमिकल उसको डिजाइन करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें रिक्वायरमेंट की, ऑपरेशन ऑफ स्पिलवे शुड बी एफिशिएंट। जो उसका ऑपरेशन है स्पिलवे का वो एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए, जो जिस चीज के लिए हमें बनाया है वो चीज हमारी जो है होनी चाहिए। मान लो इरिगेशन पर्पस के लिए हम स्पिलवेज को डाल रहे हैं, तो हमारा इरिगेशन का पर्पस सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा कि स्पिलवेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम आगे और भी चीजें करेंगे, इसके टाइप्स करेंगे स्पिलवेज के, और काफी सारी चीजें करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पिलवेज। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्पिलवेज की बात अगर हम करें तो हमारे पास बहुत से टाइप की स्पिलवेज हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उसके बाद हम वन बाय वन टाइप को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास है ओवरफ्लो स्पिलवे, सेकेंड टाइप है हमारे पास ट्यूब स्पिलवे, थर्ड टाइप हमारे पास है साइड चैनल स्पिलवे, फोर्थ हमारे पास है सडल स्पिलवे, नेक्स्ट हमारे पास है एमरजेंसी स्पिलवे, नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट स्पिलवे, नेक्स्ट हमारे पास है सिफन स्पिलवे। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास स्पिलवेज की टाइप है, ये आपको रिमेम्बर कर लेनी है, टाइप्स के नाम याद रख लेने हैं आपको। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे ओवरफ्लो स्पिलवे क्या होता है,
इंस्टीट्यूट स्पिलवे क्या होता है, साइड चैनल स्पिलवे क्या होता है, सटल स्पिलवे क्या होता है, इमरजेंसी स्पिलवे क्या होता है, शाफ्ट स्पिलवे क्या होता है, साइफन स्पिलवे क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे ओवरफ्लो स्पिलवे की, ठीक है। ओवरफ्लो स्पिलवे, ओवरफ्लो स्पिलवे हमारे पास क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो कॉल्ड ओगी शेप्ड स्पिलवे, ठीक है, इसको हम ओगी शेप्ड स्पिलवे भी बोलते हैं या फिर एस शेप्ड स्पिलवे भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई ओवरफ्लो स्पिलवे क्या होता है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इसको हम ओगी शेप्ड और एस शेप्ड स्पिलवे भी बोलते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्पिलवेज अलोज द पासेज ऑफ फ्लड वेव ओवर इट्स क्रेस्ट, ठीक है। तो जो ये जो टाइप है स्पिलवेज की, ओवरफ्लो स्पिलवे या फिर इसको हम ओगी स्पिलवे या फिर एस शेप स्पिलवे बोलते हैं, ये क्या करता है, अलोज द पासेज ऑफ फ्लड वेव, ठीक है, जो फ्लड वेव है उसको क्या करता है, पास करवाता है ओवर इट्स क्रेस्ट, जो क्रेस्ट होती है उसके ऊपर से ये पास करता है इसमें फ्लड, ठीक है, विच इज एस शेप्ड, जो इसकी क्रेस्ट होती है वो एस शेप होती है। तो एस शेप्ड इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो एस की तरह होती है हमारे पास, ठीक है। widely used on gravity dams, ठीक है, इसको mostly जो use किया जाता है gravity dams में use किया जाता है, arch dams में use किया जाता है and buttress dams में use किया जाता है overflow spillway को, ठीक है। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ वाटर एट डाउन स्ट्रीम, ठीक है, जो वाटर का जो इम्पैक्ट है उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ वाटर एट डाउन स्ट्रीम। देन रिड्यूस स्कोरिंग, इसमें जो स्कोरिंग है वो भी रिड्यूस होती है, मतलब कम होती है। नेक्स्ट हम बात इसमें करें, यूज फॉर स्मॉल कंक्रीट डैम्स, ठीक है, तो स्मॉल कंक्रीट डैम्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ओगी स्पिलवे के बारे में हम देखते हैं। ये आपके पास डायग्राम है ओगी स्पिलवे की, ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ ओगी स्पिलवे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है हमारे पास शार्प क्रेस्टेड वेव, ठीक है, ये है शार्प क्रेस्टेड वेव ये वाला, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आ गया बकेट, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसके बाद ये आ गया एफ आर एच, ये आ गया एच एफ एल, हाई फ्लड लेवल, ठीक है, दिस इज द क्रेस्ट ऑफ स्पिलवे, दिस इज द क्रेस्ट, ये आ गई क्रेस्ट स्पिलवे की। ये जो पोर्शन है ये है अपर नेपल, दिस इज द अपर नेपल एंड दिस इज द लोअर नेपल, ठीक है। तो ये होगी स्पिलवे की डायग्राम है, आप यहाँ से देख सकते हैं, एग्जाम में इसको बना सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट टाइप की स्पिलवे हमारे पास है जूट स्पिलवे। जूट स्पिलवे की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जूट स्पिलवे डिस्चार्ज इज कन्वेड फ्रॉम द रिजर्वायर टू डाउन स्ट्रीम थ्रू एन ओपन चैनल, ठीक है। तो इसमें जो डिस्चार्ज कन्वे होता है रिजर्वायर से, डिस्चार्ज कन्वे, कन्वे का मतलब होता है, मतलब जो डिस्चार्ज रिजर्वायर से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, कन्वे का मतलब होता है ट्रांसफर होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज जाती है उसको बोलते हैं हम कन्वे, ठीक है। डिस्चार्ज इज कन्वेड फ्रॉम रिजर्वायर टू डाउन स्ट्रीम, जो रिजर्वायर है वहां से डिस्चार्ज जाता है कहाँ के लिए, डाउन स्ट्रीम थ्रू द ओपन चैनल, ठीक है, ओपन चैनल एक होती है उसके थ्रू जो डिस्चार्ज है डैम से जाता है। जैसे मान लें हम यहाँ पे एक डैम बना दें, यहाँ पे पानी है, तो यहाँ से हमने ओपन कनाल बनाई होती है, वहां से रिजर्वायर से डिस्चार्ज आता है डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, प्रोफाइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइड टोपोग्राफी, जो इसका जो प्रोफाइल होता है वो इन्फ्लुएंस होता है साइड की टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग, साइड की टोपोग्राफी कैसी है उसके अकॉर्डिंग ही इसका प्रोफाइल हम तैयार करते हैं। यूज फॉर अर्थफिल डैम्स, तो इसको किसके लिए यूज किया जाता है, अर्थफिल डैम्स में इसको यूज किया जाता है जूट स्पिलवे को। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेस्ट ऑफ स्पिलवे इज कैप्ट नॉर्मल टू इट्स सेंट्रल लाइन, ठीक है, जो इसकी क्रेस्ट है स्पिलवे की वो हम नॉर्मल रखते हैं टू द सेंट्रल लाइन के, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं जूट स्पिलवे की, ये इसकी फोटो है, ये पिक्चर है जूट स्पिलवे की, ये क्या है जूट स्पिलवे, ये वाली भी जूट स्पिलवे है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास साइड चैनल स्पिलवे। अगर हम साइड चैनल स्पिलवे की बात करें तो हमारे पास साइड चैनल स्पिलवे क्या होता है हम देख लेते हैं।
इट इज यूज्ड व्हेन डैम इज नॉट रिजिड, ठीक है। तो इसको कब यूज किया जाता है, जब डैम क्या हो, रिजिड ना हो, व्हेन डैम इज नॉट रिजिड, जब डैम हमारे पास रिजिड ना हो तब इसको यूज किया जाता है साइड चैनल स्पिलवे को। एंड इट इज अनडिजायरेबल टू पास फ्लड वाटर ओवर द डैम, ठीक है। तो ये अनडिजायरेबल है, ये फ्लड वाटर को डैम के ऊपर से क्या करती है, डैम के ऊपर से जो है पास नहीं करवाती, ठीक है। आफ्टर पासिंग क्रॉसिंग ओवर द स्पिलवे क्रेस्ट, ओवर द स्पिलवे रेस्ट, वाटर फ्लोज पैरेलल टू द क्रेस्ट, जो वाटर फ्लो करता है पैरेलल टू द क्रेस्ट फ्लो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास साइड चैनल स्पिलवे है, ठीक है। ये साइड से इसमें वाटर फ्लो करता है, तो ये आप देख सकते हैं।